तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ डायरेक्टली फैक्ट्री के ऊपर एक ऐसे बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप इसे स्टार्ट कर देते हो तो आप एक नहीं दो नहीं बल्कि साल के 12 महीने अर्निंग करने वाले और लाखों रुपए की अर्निंग करने वाले हो। बस एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक बार आपको इस सेटअप लगा लेना है और आप लाखों करोड़ों रुपये की अर्निंग कर रहे हो। तो किस तरीके से इस बिजनेस को आप कर सकते हो, किस तरीके का इसका पूरा प्रोसेस होने वाला है, वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूँ। डायरेक्टली फैक्ट्री के ऊपर ले जा करके आपको पूरा विजिट कराने वाला हूँ और आपको डायरेक्टली ऑनर से बात कराने वाला हूँ कि किस तरीके से सेटअप को आप लेकर के बिजनेस कर सकते हो और लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो मिल रही है आपको सीधा मैन्युफैक्चरर से, और अगर आप सोच रहे हैं नमकीन मेकिंग प्लांट लगाना तो कमाल की ये वीडियो मिल रही है। आज हमारे साथ में यहाँ के ऑनर हैं, तो जानते हैं किस तरह की मशीन बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग देख रहे हैं हम यहाँ पे बनाते हैं, नमकीन का प्लांट बनाते हैं, कुरकुरे का प्लांट बनाते हैं, चिप्स का भी बनाते हैं, फ्रेम्स आइटम का बनाते हैं, मैक्रोनी पास्ता का बनाते हैं, पप्स का बनाते हैं, यानी कि फूड प्रोसेसिंग हम ऑलमोस्ट सभी तरह की यहाँ पे मशीन बनाते हैं। ग्रेट। तो आज इस वीडियो में सर कौन सी मशीन हम दिखाने जा रहे हैं? इस वीडियो में आज हम आपको नमकीन के प्लांट के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं कि ये कितने एरिया में लगता है, कितनी बिजली लेता है और इसकी कैपेसिटी क्या है, कौन कौन सी मशीन इसमें लगती है। तो कंप्लीट सेटअप तैयार करके देते हैं आप लोग? जी, पूरा सेटअप हम प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो सर इस बिजनेस को करने के लिए कितना होना चाहिए, सर कितने अमाउंट से शुरू कर सकता है? देखिए, नमकीन का पूरा प्लांट लगाने के लिए मैक्सिमम 4 लाख रुपए के आसपास के आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रॉ मटेरियल या फ्लेवर के लिए 1-2 लाख रुपए की और एक्स्ट्रा अर्निंग जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि 4 लाख मशीनों का 1-1.5 लाख रुपया और आपको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। तो अगर कोई 4 लाख रुपया लगाता है सर, 4-5 लाख, तो कितना महीने का कमाया जा सकता है? देखिए, 4-5 लाख रुपए लगा करके आप पर डे का 10-12 हज़ार रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। हम इसमें जानेंगे कि नमकीन के प्लांट में कौन कौन सी मशीनें लगती हैं और सिंगल फेस में सारा प्लांट चलता है हमारा, और घरेलू बिजनेस से ही आप बिजली से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं घर पे ही लगा करके। जैसे हमारी महिलाएं हैं, लेडीज हैं, जितनी भी सब अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और मार्केट में अपना ब्रांड निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसको चलाने के लिए सबसे पहले 5-6 मशीनें होती हैं। कौन कौन सी मशीनें होती हैं, किस तरह से वो वर्क करती हैं, कितना उनकी कैपेसिटी होती है, कितनी लाइट होती है, कितना एरिया उसमें लगता है, आज सब इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी मलनी मशीन। इस मशीन में हम अपना जो भी बेसन होता है उसको डाल करके और उसको नमकीन के लिए इसमें डो तैयार किया जाता है। तो दोस्तों दिखाते हैं किस तरह से काम करती है। बेसन डाल दिया है, अब इसी में हम अपना जो भी हमको इसमें रेसिपी डाल देते हैं वो उसमें डाल देंगे। जैसे कि मिर्च डालनी है हमको या नमक डालना है, इसमें ऑयल डालना है, सब कुछ इसमें डाल कर हम मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। मशीन स्टार्ट हो चुकी है। ये मशीन हमारा मैक्सिमम 1-2 मिनट का टाइम लेती है और ये हमारा डो बिल्कुल तैयार कर देती है। अब इसमें जो भी हम डालते हैं तेल, पानी, मसाले सब इसमें डाल के इसको डो को तैयार कर लेते हैं। एक बार में कितने केजी मिक्स हो जाएगा इसके अंदर? दोस्तों इस मशीन की जो कैपेसिटी है एक बार में 25 केजी की कैपेसिटी होती है। एक बार में 25 केजी बेसन डाल के हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। अभी हमने नमक डाला है इसमें, तेल डाला है इसमें, अब ये डो बिल्कुल हमारा रेडी होने के लिए तैयार है। इसका जो हमने बेसन डाला था उसका डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस डो को हमने निकाल लिया है अपने इसमें पैन में। अब इसको लेकर चलते हैं हम सीधे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो हमारी भुजिया मशीन होती है। भुजिया मशीन में हमारी एक ही मशीन से 10-15 तरह का आइटम बना सकते हैं, क्योंकि उसमें 10-15 तरह की डाई लगा देते हैं। तो अभी जो हमने उसमें डाई लगाई हुई है, सेब की डाई लगाई हुई है, तो अभी हम आपको सेब बना के दिखाते हैं किस तरह से मशीन वो काम करती है, कितना लोड लेती है, कितनी कैपेसिटी होती है, वो सारी डिटेल आपको देने वाले हैं हम। तो चलिए भुजिया मशीन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम भुजिया मशीन के पास आ चुके हैं। अभी हमारी भुजिया मशीन है, इसमें हमने डाई लगाई हुई है सेब की, तो मोटा सेब इसमें हम बनाने के लिए डाई लगाई हुई है। इसमें बेसन डाल देते हैं डो बना बना के, तो ये हमारा बेसन भुजिया निकलता रहेगा इसमें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा फ्रायर मशीन है। फ्रायर मशीन हमारा इलेक्ट्रिक और LPG दोनों से चलता है, किसी से भी आप इसको चला सकते हैं। तो अभी जो हम इसको चला के आपको दिखा रहे हैं, इसको गैस से चला करके दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी भुजिया निकलनी स्टार्ट हो चुकी है और ये इस तरह से निकल के रहती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने भुजिया मशीन में माल डाला, भुजिया मशीन के हमने सेब की डाई लगाई हुई थी, तो सेब बनके आपके सामने तैयार है। अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं, हमारा फ्रायर मशीन है, इसको हम इलेक्ट्रिक और गैस दोनों से चला सकते हैं। इसकी कैपेसिटी होती है घंटे में 80 से 100 केजी की, और सेम ही हमारी कैपेसिटी होती है भुजिया मशीन की भी 80 से 100 केजी। ये 10 तरह की डाई इसमें लगा सकते हैं हम, 10 तरह का प्रोडक्ट ये बना देगी एक घंटे में, और इसकी कैपेसिटी 80-100 केजी होगी। इलेक्ट्रिक गैस किसी से भी इसको चलाइए आप। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा भुजिया ये फ्राई हो चुका है, अब इसको हम सीधा लेकर चलते हैं अपने, इसको निकाल लेंगे फ्रायर से बाहर। दोस्तों भुजिया हमारा फ्राई हो चुका है सेव, अब इसको हम सीधा बाहर निकाल रहे हैं।
दोस्तों सेव हमारा बिल्कुल फ्राई होकर तैयार है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जैसे इसमें आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑयल है, अभी एक्स्ट्रा ऑयल को निकालने के लिए हम ड्रायर मशीन का इस्तेमाल करेंगे। अब इस प्रोडक्ट को उठाकर हम सीधा ड्रायर मशीन में डालेंगे। दोस्तों जो सेव हमने बनाया था अब उसको उठाकर हम सीधा ड्रायर मशीन में डाल देते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसको निकाल देगा और हमको ड्राई सेव बिल्कुल मिलेगा। तो इसको उठाकर हम सीधा डाल देते हैं अपने ड्रायर मशीन में। ये ड्रायर मशीन में हमने डाल दिया है, अब मशीन को हम सीधा स्टार्ट कर देते हैं तो जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाएगा। तो दोस्तों ड्रायर मशीन हमारी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। ये मशीन हमारा मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड का टाइम लेती है प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सेव हमारा ड्राई हो चुका है, अब इसमें एक्स्ट्रा ऑयल कुछ भी नहीं बचा है, अभी बिल्कुल हमारा ड्राई हो चुका है। तो ये हमारा कोटिंग पैन मशीन है। अब इस प्रोडक्ट को उठा करके हम जो हमने रेडी करा था इसको कोटिंग पैन मशीन में डाल देते हैं। अब इसमें कोटिंग पैन मशीन में डालने के बाद मसाले को हम इस पर छान देंगे तो बेस्ट क्वालिटी में हमारा बढ़िया एक जैसा मसाला पूरा हमारी मशीन से प्रोडक्ट के ऊपर लग जाएगा और हमको जो भी बच्चों को पसंद होता है प्रोडक्ट उस तरह का मसाला इसमें लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों डाल देते हैं, हमने प्रोडक्ट को कोटिंग पैन में डाल दिया है। दोस्तों मशीन स्टार्ट हो चुकी है और मसाला छानना हमने स्टार्ट कर दिया है। अब हमारे जो प्रोडक्ट के ऊपर बढ़िया क्वालिटी का मसाला इससे लग जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा प्रोडक्ट में हमारे में मसाला लग चुका है, बिल्कुल चटपटा हो चुका है। मसाला लगने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस प्रोडक्ट को उठा करके हम सीधा पाउच पैकिंग मशीन में डाल करके इसके पैकेट तैयार कर लेते हैं। जितना भी ग्राम हमको पैकेट बनाना है उतने ग्राम का हम उसमें प्रोग्राम डाल के इसको पैकेट को रेडी कर लेते हैं। किस तरह से हमारी पैकिंग मशीन वर्क करती है, क्या इसकी कैपेसिटी है, क्या लड़ी निकालती है, कैसे हवा भरती है, सारे फंक्शन आज आप इसको हम वर्क करके दिखाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा प्रोडक्ट हमने हॉपर में डाल दिया है, अब मशीन को हम स्टार्ट कर देते हैं। हमने इसमें जिस भी हिसाब से मान लो 50 ग्राम के हिसाब से इसमें कप लगाया हुआ तो 50 ग्राम ही ऑटोमेटिक हमारा पैक करके निकालती रहेगी। तो ये हम मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। मशीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, लड़ियाँ बननी स्टार्ट हो चुकी हैं। मशीन में जैसा भी प्रोग्राम हम डालते हैं उस तरह का ये वर्क करती रहती है। हमको हमारी मशीन 10 ग्राम से 250 ग्राम तक ये पैक करेगी, एक घंटे में 1800 पाउच निकालेगी और पाउच में एयर भरेगी, लड़ी बनाएगी, प्रोडक्शन काउंटिंग करेगी, पाउच की एयर भर के लड़ी बना के निकालती रहेगी। MRP डेट हो गया, बैच काउंटिंग हो गया, प्रोडक्शन काउंटर हो गया, नाइट्रोजन फ्लैशिंग हो गया, इस तरह की लड़ियाँ बना के निकालती रहती है। फुल्ली ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन है ये। इसमें कोई भी आइटम पैक कर सकते हैं, जैसे कि आप नमकीन, कुरकुरा, चिप्स, पप, चाय की पत्ती, मसाले, कोई भी आइटम आप इसमें ये पैक करके निकाल सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा पूरा नमकीन का सेटअप है हमारा, इसमें 6 मशीनें होती हैं जो मैंने आपको वन बाई वन आपको वर्क करके दिखाया है। इन मशीनों को आप ऑल इंडिया में कहीं भी मंगा सकते हैं, हमारे पास पूरी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। ऑल इंडिया, इंडिया से बाहर आप कहीं भी इनको मंगा सकते हैं। हमारी कंपनी का एड्रेस है, आप इंडिया में अगर विजिट भी करते हैं हमारी कंपनी को तो आप इंडिया में कहीं से भी आते हैं तो आपको न्यू दिल्ली आना है, वहां से आपको मेट्रो मिलेगी, मेट्रो से आपको रिक्शा लेकर सीधा हमारी कंपनी आना है, रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन A35 सेक्टर 10 नोएडा, वहां पर आकर के आप सीधा हमसे मीटिंग कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, सारी मशीनों की जानकारी ले सकते हैं और अगर मशीन पसंद आए तो आप अपनी मशीनें बुक कर करके आप कहीं भी इनको ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। इंडिया में कहीं भी जब मशीनें जाती हैं तो मशीनें पहुंचने के बाद आप हमको खबर करते हैं, वहां से हम इंडिया में वहीं से ही जहां पे मशीन जाती हैं वहीं से ही अपना कोई बंदा आपके लिए अरेंज करते हैं, वो आपको जाकर सर्विस देता है, एक साल की इसकी वारंटी होती है। अगर आप नहीं आना चाहते कंपनी में तो आप ऑनलाइन वीडियो कॉल करके मशीनें देख सकते हैं और अपनी मशीनें बुक करके आप मंगा सकते हैं। पेमेंट आपको कंपनी के करंट अकाउंट में करनी पड़ती है, जैसे ही आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाती है यहां से गाड़ी लगा करके आपकी मशीनें डिस्पैच कर दी जाती है, बिल्टी नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है।